नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी के 35वें मुकाबले के बारे में। यूपी योद्धा वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में आज का कबड्डी का मुकाबला खेला जाने वाला है भाइयों। और इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स चलने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स आज के मैच में कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ भाइयों। और कल फिर से तबाही मचाई भाइयों, कल फिर से दोनों मैच एक तरफा, कल दोनों मैच उड़ा दिए भाइयों। और कल मैंने आपको थंबनेल पे लिख दिया था, अभिनेश और अमन करेंगे धमाका। परसों पी ठाकुर का लिख दिया था कि कैप्टन बनेगा और बना के भी दिया। कल आपको दोनों को CVC बना के दिया, अभिनेश और अमन को। फर्स्ट मैच की बात छोड़ो, सेकंड मैच में वस्तामी को आपको CV बना के दे दिया और सेकंड मैच भी अल्ट्रा मेगा क्लीनशिप कर दिया। तो कल का रिजल्ट अभी आपको आगे ओपन करके बताऊंगा। अभी बात करते हैं आज के मैच के प्लेयर्स की। सबसे पहले बात करेंगे भाई डिफेंडर्स की। सबसे ऊपर है सुमित, जिसका सिलेक्शन है 90%। क्या आज सुमित काम करने वाला है इतना भाइयों? आज के मैच में सुमित फिर से कैप्टन बनाने लायक रहने वाला है। वजह है अर्जुन देशवाल। आज के मैच में अर्जुन देशवाल को टेकल करने वाला है सुमित, क्योंकि ये है लेफ्ट कॉर्नर और अर्जुन देशवाल जो है वो है लेफ्ट इन रेडर। तो सुमित के पास में बार बार आने वाला है और सुमित जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। और सुमित भाई शानदार खिलाड़ी है और कमाल करता है, ये टेकल करता ही। और आज के मैच में इसके पास मौके बहुत है, CVC बनाने लायक है भाई। आज ये यूपी इस मैच को जीत सकता है, ज़्यादा चांसेस यूपी के हैं आज के मैच में जीतने के। लेकिन अभिषेक बच्चन है भाई, देखो कबड्डी का सब कुछ उसी के हाथ में है, हो सकता है उसकी टीम जीत जाए फिर से। लेकिन नहीं, यूपी मुझे लगता है आज जीतेगी। और आपका भाई जिस टीम का बोल दे वही जीतती है। अंकुश राठी की बात करेंगे, 92% सिलेक्शन है आज के मैच में। और आज के मैच में ये सुरेंद्र गिल को शिकार करने वाला है। छोटा सा रेडर है और क्या बोलते हैं, छोटा सा डिपेंडर है, लेकिन लंबे लंबे जो रेडर्स होते हैं उनको आसानी से ये टांग पकड़ के गिरा देता है। तो आज के मैच में फिर से जबरदस्त रहने वाला है। और ये आपको लेफ्ट कॉर्नर पे ही खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, जहाँ पे सुमित खेलेगा यूपी की तरफ से और जयपुर की तरफ से खेलेगा अंकुश राठी। दोनों ही सेम है, दोनों ही लेफ्ट कॉर्नर है और दोनों ही आज के मैच में इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र गिल का शिकार करेगा अंकुश राठी, सुमित करेगा शिकार जयपुर की तरफ से अर्जुन देशवाल का, ठीक है। अब बात करेंगे राइट कवर सुरजीत सिंह की, जिसका सिलेक्शन है 65% आज के मैच में। और आज के मैच में भाई एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। वजह है सुरेंद्र गिल, ठीक है, सुरेंद्र गिल का शिकार करने वाला है भाइयों आज के मैच में। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जयपुर के फेवर में आप टीम बनाते हो तो बिल्कुल इसको लेके चलो, और चाहो तो स्मॉल लीग में आप दोनों कंडीशन में रख सकते हो। किसी की भी टीम में आप फेवर करो इसको रख सकते हो, क्योंकि आज इसके पास मौके रहेंगे सुरेंद्र गिल को डैश करने के और उसको उठा के फेंकने के। तो थोड़ा सा आज सुरजीत सिंह भारी पड़ सकता है सुरेंद्र गिल पे, और सुरेंद्र गिल थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, जिसका फायदा सुरजीत को मिलेगा। एल शर्मा की बात करेंगे भाई, 16% सिलेक्शन है। और एल शर्मा, लकी शर्मा, लकी शर्मा मतलब नाम जैसा लकी है वैसा ही काम है। हर मैच में लेता हूँ, भले ज़्यादा पॉइंट नहीं देता है लेकिन इतने पॉइंट दे देता है कि ग्रैंड लीग में अगर है तो ग्रैंड लीग मिस नहीं होती, ठीक है। तो पिछले मैच में भी बढ़िया पॉइंट दे गया था ये, 48, 54, 99 भी दिए थे, उसमें ग्रैंड लीग सारे बंदे मेरे ही जीते थे। 9% था उस दिन और आज 16% है। चलो इसको, इस पर 17 नहीं है, 17% होता तो भाई इसको लेने में खतरा होता, पर हाँ 16% है। और आज के मैच में कॉर्नर पे खेलने वाला है, राइट कॉर्नर पे, और जबरदस्त रहेगा। भरत हुडा का ये शिकार आज के मैच में करने वाला है। चलो बात करेंगे साहुल कुमार की। साहुल कुमार आज के मैच में खेल सकता है, लेकिन हितेश बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेल रहा है, जिस वजह से हो सकता है साहुल कुमार आज भी ना खेले, ठीक है। बात करेंगे ए सिंह की। ए सिंह जिसका सिलेक्शन है 4%, और आज के मैच में ये आपको राइट कवर पे खेलता हुआ दिखाई देगा, और यूपी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट डिपेंडर रहने वाला है भाइयों। और ये आज अर्जुन देशवाल को डैश करने वाला है भाइयों, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। सिर्फ इसका सिलेक्शन 4% है भाइयों, और अर्जुन देशवाल जो है मेन रेडर है जयपुर का, उसका शिकार ये करने वाला है, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने वाला है।
बात करेंगे हितेश की। तो भाई देखो, हितेश के पास में आज ज़्यादा मेहनत करने का कुछ वो नहीं है, क्योंकि देखो विकास खंडोला है, उसको ये आसानी से पकड़ सकता है। विकास खंडोला वैसे ही वीक रेडर है, तो ये फ़ायदा उठा सकता है हितेश। ये आपको राइट कॉर्नर पे खेलता हुआ दिखाई देगा, और विकास खंडोला राइट साइड ही रेड लगाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। बाकी और कोई है नहीं भाइयों। तो आज के मैच में 5 डिफेंडर लूंगा, और अगर आप चाहो तो जयपुर के अगर फेवर में जाते हो तो आप जयपुर के 3 इसमें डिफेंडर उठा सकते हो, एक प्लेयर कम करके। हितेश को हटा के चाहो तो सुमित को हटा के एक प्लेयर सुरजीत को रख सकते हो इसमें, यहाँ पे ठीक है। अभी मैं आपको 2 ग्रैंड लीग की टीमें बना के बताऊंगा, अभी यूपी के फेवर में देखो, बाकी प्लेयर्स सबका समझाता जाता हूँ। भरत हुडा जिसका सिलेक्शन है 87%, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, रेडिंग भी करता है, टेकल भी करता है, और आज के मैच में अर्जुन देशवाल को ये टेकल भी करने वाला है, तो 87% सिलेक्शन है, सही है, ज़्यादा रिस्क मत लेना इसको टीम में लेना, ये आज के मैच में कमाल कर सकता है। चलो बात करेंगे ए मलिक की। ए मलिक आज के मैच में खेल सकता है, और अगर आज खेलता है तो भाइयों ये भी सेम टू सेम है, जो काम अर्जुन देशवाल कर रहा है वो भी यही कर रहा है, ये भी लेफ्ट साइड ही रेट करता है। बाकी हाँ, जबरदस्त खिलाड़ी है, जब से आया तब से 100+ पॉइंट हर मैच में लेता है, तो देख लेना अगर खेलता है तो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाएगा। जयपुर के फेवर में टीम बनाओ तो ले ही लो, ऐसा कर लो ठीक है। मिर्वा घेरी 40% सिलेक्शन है आज के मैच में, सब लोग ड्रॉप कर रहे हैं आज मिर्वा घेरी को। मिर्वा घेरी ऑलराउंडर में आ गया लेकिन डिफेंडर है ठीक है। ये आज भरत हुडा को डैश करने वाला है भाइयों, तो भरत हुडा बहुत बार आता है रेडिंग पे, तो मिर्वा घेरी के पास में चांसेस रहेंगे कि वो भरत हुडा को डैश कर दे आज के मैच में। 40% सिलेक्शन है, 2-3 बार डैश कर दिया, 60-70 पॉइंट वैसे ही हो जाएंगे, तो मिर्वा घेरी पे ध्यान रखना, ग्रैंड लीग की बहुत अच्छी पिक है। महेंद्र सिंह 11% है, और विकास खंडोला का शिकार आसानी से कर सकता है, और यूपी योद्धा के अगर आप 5 से 6 प्लेयर ले रहे हो तो इसको जरूर ले लेना, क्योंकि भाई देखो एक टीम के 5 से 6 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आते हैं, तो ऐसे प्लेयर भी आ जाते हैं जिनको कोई उठाता ही नहीं है, और यही बात मैं आपको रोज बताता हूँ। अभी वीडियो में एंड में एक बार और समझा दूंगा अगर आपको और भी समझना है। तो बात करेंगे नरवाल की। नरवाल भाइयों 25% है, और पहले ही मैच में तबाही मचा दी इसने, 112 पॉइंट ले लिए, और आज के मैच में भी तबाही मचा सकता है, क्योंकि ये रेडिंग और टेकल दोनों ही करता है, फुर्तीला है भाइयों ये, मतलब फुर्तीले होते हैं ना लोग, दुबला पतला है और चट्ट जाता है, पट्टा जाता है बिल्कुल, मतलब क्या ही बोलूं यार, छलांगे मारता है ये, बहुत फुर्तीला खिलाड़ी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 25% है, अर्जुन देशवाल से अच्छा ही बोलूंगा इसको, विकास खंडोला से अच्छा ही बोलूंगा इसको, जयपुर की तरफ से रेडिंग से ये पॉइंट ले सकता है ज़्यादा, बाकी टेकल वेकल भी कर लेता है ये। और कोई नीचे है ही नहीं जिसकी मैं बात करूं भाइयों, है ना। अब रेडर्स की ओर बात कर लेते हैं, फिर टीम को कंप्लीट करेंगे। रेडर्स में भाई अर्जुन देशवाल जिसका सिलेक्शन 87% है आज के मैच में, सुमित और आशु सिंह इसका शिकार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज सुमित भारी पड़ेगा अर्जुन देशवाल पे, तो अर्जुन देशवाल को आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो आज के मैच में, 87% सिलेक्शन है, लेकिन जयपुर के फेवर में टीम बनाओ तो पिक भी कर सकते हो। बात करेंगे सुरेंद्र गिल की। भाई ये सुरेंद्र गिल अब वैसा नहीं खेल रहा जैसा 2 साल से खेल रहा था, क्यों? क्योंकि पहले वो टेकल भी करता था, अब क्या करता है वो पीछे खड़ा हो जाता है। 6 खिलाड़ी वो करते हैं जो कुछ करते हैं टेकल का काम, ये मेन रेडर बन चुका है, तो अब टेकल नहीं कर रहा है तो टेकल की उम्मीद मत करो अब इससे। बाकी खिलाड़ी अच्छा, रेडर अच्छा है, लंबा है। बाकी देखो ना रेडर सेक्शन में और ज़्यादा अच्छे प्लेयर भी तो नहीं है, तो सुरेंद्र गिल के साथ में आज जा सकते हो, 36% सिलेक्शन है, प्लेयर अच्छा है बस, लेकिन अब टेकल करना इसने बंद कर दिया है। भवानी राजपूत सब्स्टिट्यूट है, क्या ही बात करूं। विकास खंडोला 7% प्लेयर, और ये अगर आप जयपुर के फेवर में टीम बना दो इसको ले सकते हो, और ये टेकल भी करने लगा है अब, तो दोनों ही डिपार्टमेंट से पॉइंट दे सकता है, टेकल के नहीं तो रेडिंग के, पिछले मैच में ड्रीम टीम में भी आ गया था ये, नहीं उससे पिछले में आया था, 54-58 अच्छे खासे पॉइंट ले रहा है इस साल, 5 रेडिंग, और इस मैच में जो 54 पॉइंट लिए थे वो रेडिंग से लिए थे, और ये वाला जो मैच था इसमें भी इसने टेकल ट्राई नहीं करा था,
विकास खंडोला टेकल अभी ट्राई नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ एक मैच में इसने टेकल करा था यार, इस मैच में करा था शायद से, हाँ देखो इसमें करा था टेकल एक, और बाकी तो इसको ऑल आउट के 32 पॉइंट मिल गए थे, एक टेकल करके 58 पॉइंट ले गया था ये, एक ही मैच में टेकल करा है भाइयों, तो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, बाकी चल जाते हैं रिस्की प्लेयर भी यार कबड्डी में। आपको तो मैं एक ग्रैंड लीग विन करने की ट्रिक बता देता हूँ, वो ट्रिक ये है कि एक टीम के 5 से 6 खिलाड़ी लेके चलो, दूसरी टीम का बस हाईएस्ट 1 या 2 प्लेयर उठाओ, ठीक है 5 और 2 या तो 6 और 1 ऐसा कॉम्बिनेशन आप बनाओ, ग्रैंड लीग पर डे जीतोगे, हर रोज जीतोगे, ठीक है होता है यही है भाइयों। और क्या है कबड्डी में जो टीम ऑल आउट करती है बार बार वो प्लस में जाती है और दूसरी टीम माइनस में जाती है, इस वजह से उनके कमी प्लेयर आते हैं और जो जीतती है, अब देखो विकास खंडोला के अभी मैंने दिखा एक टेकल में 60 पॉइंट थे, तो जो टीम जीतती है उसको ऑल आउट के बार बार पॉइंट मिलते हैं, तो एक टीम के हाईएस्ट आप 5 से 6 प्लेयर तो लेके चलो, दूसरी टीम के 1 या 2 ही लो बस, 4-3 मत बनाओ, 4-3 बनाते हो तो स्मॉल लीग में बनाओ, बाकी ग्रैंड लीग में मत बनाओ, बहुत मुश्किल से आता है 4-3 का कॉम्बो। चलो बात करते हैं इस टीम को कंप्लीट करने की, तो भाइयों देखो पहले जी गोड़ा को और समझ लो, जी गोड़ा भाइयों आज के मैच में देखो सुरेंद्र गिल सब्स्टिट्यूट हो जाता है उसकी जगह पे आता है, और मुझे लगता नहीं है आज के मैच में जो सुरेंद्र गिल सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है मुझे लगता है जी गोड़ा से ज़्यादा पॉइंट लेगा सुरेंद्र गिल, तो सुरेंद्र गिल भाइयों थोड़ा देख लेना आज के मैच में, स्मॉल लीग में तो सुरेंद्र गिल को ही ले लो, बाकी ऑलराउंडर में ज़्यादा उलझना नहीं है, सीधे सीधे भरत हुड्डा को ले लो, ठीक है यूपी के फेवर में अगर आप जा रहे हो तो इस टीम के साथ में चले जाओ, और इस टीम में चाहो तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, जैसे कि सुरेंद्र गिल का शिकार करेगा अंकुश राती, तो अगर अंकुश राती चलेगा तो सुरेंद्र गिल फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है तो ऐसा कुछ करके आप यहाँ से एक आध प्लेयर एक्सचेंज कर सकते हो, फिर यहाँ से आप मिर्वा गैरी को उठा सकते हो, वो भरत को आउट करेगा, ठीक है और भरत तो ऑलराउंडर है दोनों ही काम करेगा, बाकी एल शर्मा को भी मैंने इसीलिए रखा कि वो भी भरत को ही आउट करेगा, पर भरत टेकल भी करेगा, इस वजह से भरत ड्रीम टीम में आ सकता है, बाकी 2-3 रेडिंग के पॉइंट तो मिल ही जाएंगे ना, बाकी सुरेंद्र गिल को हटाओ तो फिर उन दोनों को उठाना, किन दोनों को, मिर्वा गैरी को हटाओ आप और एल शर्मा को हटा के राठी और एस सिंह को उठाना, और इस टीम में मालूम है क्या करना, सुरेंद्र गिल को हटा के आप यहाँ से गोड़ा को उठा लेना, ऐसा काम कर लेना, क्योंकि सुरेंद्र गिल का शिकार यहाँ से राठी और सुरजीत सिंह कर लेंगे, फिर समझ गए, समझ में आया सब कुछ, बात रहेगी इस टीम में सीवीसी बनाने की, लेकिन फाइनल टीम में करूँ अभी मैं सुरेंद्र गिल को ही रख रहा हूँ, देखा जाएगा जो होगा, स्मॉल लीग में तो ये इस कॉम्बिनेशन के साथ में जाऊँगा, आज के मैच में मुझे लग रहा है यूपी जीतने वाली है, और तो कैप्टन आज के मैच में सुमित को और वाइस कैप्टन आशु सिंह को, चाहो तो इस टीम में आप भरत को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो, भरत भी आज टेकल के साथ में रेडिंग करने वाला है, ठीक है समझ में आया सब कुछ। अब बात करेंगे एक टीम की और जो कि रहेगी जयपुर के फेवर में, लेकिन उससे पहले आपको ले चलता हूँ लीग इलेवन पे भाइयों, लीग इलेवन पे भी टीम बनाना वैसा ही है जैसा ड्रीम इलेवन पे बनती है, ठीक है टीम बनाई थी मैंने आज लीग इलेवन पे, बाकी लीग इलेवन पे खेलने के फायदे ये है कि अभी तो आपको सिंपल से 200 रुपये फ्री मिल जाएंगे मेरी तरफ से डाउनलोड करने पर, लीग इलेवन कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फायदे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कॉन्टेस्ट की जो एंट्री फीस है वो कम है, दूसरी साइड पे 3,850 का कॉन्टेस्ट, यहाँ पे 3710 का है, 2,999 का, यहाँ पे 2,850 का है, तो भाई सीधा सीधा यहाँ पे आपका एक एक कॉन्टेस्ट पे 300-300 रुपये बच रहा है, तो डाउनलोड करो लीग इलेवन, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, बाकी लीग इलेवन की टीम आपको रोज देता ही हूँ, और देखो ये लीग इलेवन की टीम है आज की मेरी, ठीक है भाई तो डाउनलोड कर लेना, बाकी हाँ अब बात कर लेते हैं जयपुर के फेवर में अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो तो कैसे बनाओगे, लेकिन उससे पहले आपको कल का रिजल्ट और दिखा देता हूँ भाइयों, आ जाओ जरा ये है भाइयों कल का रिजल्ट जरा देख लो एक बार, कल मैंने तो थंबनेल पे लिख दिया था आज खतरे नहीं अमन और अभिनेश करेंगे धमाका, और अमन और अभिनेश को आपको सीवीसी बना के दिया, अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप किया, और 2 ग्रैंड लीग की टीम इंस्टाग्राम पे भी दी थी उसमें भी अमन और अभिनेश को ही सीवीसी बना के दिया था, सेकंड मैच में भी धमाका किया बस्तामी और साहिल गुलिया को सीवीसी बना के दिया और स्मॉल लीग एक तरफा विन करी, ठीक है और इस मैच की भी 2 ग्रैंड लीग आपको
और बोला था ना अमन और अभिनेश करेंगे धमाका, थंबनेल भी लिख दिया था मैंने तो। और इस मैच में सब मेरे मेंबर ग्रैंड लीग जीत गए थे, देख सकते हो मेरी डीपी फर्स्ट रैंक पे और एक और मेरी डीपी फर्स्ट रैंक पे। आपके भाई की डीपी आपको हर मैच में टॉप पर दिखेगी जरूर भाइयों, क्यों? क्योंकि आपके भाई का प्रिडिक्शन ही ऐसा है, तो आप भी लगा लो अगर जीतना चाहते हो। रोज ग्रैंड लीग जीतोगे, बस करना कुछ नहीं है, डीपी लगाना है, बस इतना सा काम है भाइयों, तो लगा लेना, बैठा हूँ आपके सामने। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाइयों, टेलीग्राम पे आपको रोज फ्री में टीम दे रहा हूँ स्मॉल लीग की। और इंस्टाग्राम का और बता देता हूँ, फिर उसके बाद में एक टीम और बना के बताऊंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है भाइयों, ठीक है, यहाँ पे आपको रोज फ्री में ग्रैंड लीग की टीम्स देता हूँ। और ये देख सकते हो सोमेश ठाकरे ट्रॉफी, 116 के मेंबर्स हैं। तो भैया 116,000 मेंबर्स मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर चुके हैं, और अभी एक महीने पहले ही बनाया है चैनल। तो आपके पास नहीं होगा ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, यहाँ पे आपको रोज फ्री में ग्रैंड लीग की टीम्स देता हूँ। बाकी प्राइम बंद कर दिया है भाइयों, इस वजह से फ्री में टीमें दे रहा हूँ ग्रैंड लीग की। तो मेरे नाम से अगर कोई भी पैसे मांगे तो ब्लॉक कर देना डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैं प्राइम अब बंद कर चुका हूँ। देखूंगा आईपीएल के टाइम पे, ठीक है, अगर लॉन्च करना होगा तो 2-3 दिन पहले ही मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा टेलीग्राम पे। चलो बाकी अभी प्राइम बंद है आईपीएल तक, ठीक है। और हाँ, आईपीएल से याद आया, इस साल आईपीएल में झड़ी लगा दूंगा, पूरे के पूरे मैचों में ग्रैंड लीग जिता दूंगा। चलो अब बात करते हैं जयपुर के फेवर में, जो ग्रैंड लीग टीम रहेगी उसकी। देखो भाई, जयपुर को फेवर कर रहे हो तो यहाँ से राठी को, एल शर्मा को, सुरजीत को, इन तीन प्लेयर को आपको उठाना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और हाँ, एक और प्लेयर मिर्बा गिरी, ये चार प्लेयर आपको उठाना पड़ेंगे, जो कि भरत का और सुरेंद्र गिल का, दोनों का शिकार करेंगे ये चार प्लेयर, ठीक है। बात रहेगी एक प्लेयर की तो अर्जुन देशवाल है, विकास खंडोला है, मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है यहाँ से नरवाल, ठीक है, तो मैं नरवाल को भी पिक कर रहा हूँ। ये पांच प्लेयर आप उठा के चलो अगर आप जयपुर के फेवर में टीम बनाते हो, ठीक है भाइयों। और रहेगी बात दो प्लेयर की, तो आप चाहो तो सुमित को यहाँ से रख सकते हो, और यहाँ से सुरेंद्र गिल हो गया, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो ऐसा काम कर सकते हो, गोड़ा को और यहाँ से सुमित की जगह ए सिंह को, ये काम भी आप कर सकते हो इसी कॉम्बिनेशन में। और थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन और बना के बताता हूँ, विकास खंडोला को, ठीक है, यहाँ से भरत को, या फिर चाहो तो सुमित को, ये काम भी आप कर सकते हो। समझ में आया? बस आपको करना कुछ नहीं है, ग्रैंड लीग जीतने के लिए 5-2 का और 6-1 का कॉम्बिनेशन बनाना है। 20 टीम बनती है, 10 बना लो जयपुर के फेवर में, 10 बना लो यूपी के फेवर में, मैं बोलता हूँ 15 बना लो आज यूपी के फेवर में, यूपी के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा जयपुर के फेवर में। बात रहेगी इसमें सीबीसी की, तो भाई देखो राठी और सुरजीत सिंह आज के मैच में बेस्ट है सीबीसी, ठीक है, ये सुरेंद्र गिल का शिकार करेंगे और भरत हुडा का शिकार करेंगे एल शर्मा और मिर्बा गिरी। तो कवर कॉर्नर को आप सीबीसी बना सकते हैं इस मैच में, ठीक है। समझ में आया सब कुछ? बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ठोक देना भाइयों, और जो जो मैंने बताया वो कर लेना। लीग 11 डाउनलोड 200 रुपये तो फ्री मिल जाएंगे आपको, प्लस इस मैच की फाइनल जो टीम रहेगी मेरी वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और कल देखे ना, दोनों बैक टू बैक धमाके, इससे पहले भी सारे कबड्डी के मैचों में धमाके किए हैं। पी ठाकुर को कैप्टन बनाने का बोल दिया था और बना के दे दिया था पी ठाकुर परसों का मैच। कबड्डी के सारे ही मैचों में आपके भाई धमाके धमाके कर धमाके पे धमाके किए जा रहा है, ऐसा कोई सा मैच नहीं जा रहा जिसमें आपका भाई धमाका नहीं कर रहा है। तो कबड्डी के सारे ही मैचों में धमाके किए हैं भाई इस साल। और करता रहूंगा आने वाले सालों तक। और इस बार तो देखो बस बड़े बड़े टूर्नामेंट आने दो और जलवा देखो आप, हर रोज करोड़ों रुपए जिताऊंगा, हर रोज आपको फर्स्ट रैंक पे आपके भाई की डीपी दिखेगी। तो आप भी लगा लेना भाइयों, अगर आपको भी जीतना है तो आपका भाई जो बोल दे वही होता है, जिसको ड्रॉप कर दे वही फ्लॉप होता है, जिसको कैप्टन कर दे वही कैप्टन होता है। तो चलो, जो कुछ था सब कुछ समझा ही दिया है, बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।
ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स होंगी।